नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर फिफ्थ, जो कि आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो ये भी चैप्टर आपका जैसे आप अपना एक तरीके से टेंथ से ही स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, ये बेसिकली आप इलेवंथ में इसको ज्यादा पढ़ते हो, तो इलेवंथ क्लास में जैसा था ये सेम आपका इसी तरीके से आता है। मीन्स इसमें भी आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट आपको करना होता है, मतलब डिफरेंशिएशन आपका इसमें होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है चेकिंग कंटिन्यूटी, मीन्स आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो फंक्शन की वो है या नहीं है। तो जैसे आपको यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स अपोन एच, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, इसमें क्या कर दोगे आप जीरो माइनस एच कर दोगे, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे जीरो प्लस एच, आप फंक्शन में आप वैल्यू रख दोगे। जब आप अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे तो अगर वो दोनों आपके इक्वल आती है तो आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, वरना वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिंपल से पॉइंट आपका आता है। और एक पॉइंट आता है, अगर आपका जो fx है वो fc के इक्वल है, मींस c एक पॉइंट है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट c पर। मींस वो अगर x पर कंटिन्यूअस था और वो fx is equal to fc था, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, c पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है पॉइंट, चलो जी आगे बात करते हैं। अ फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा। सबसे पहले अगर एफ ए आपका क्या हो रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मीन्स एफ ए की वैल्यू आपकी आ ही ना रही हो, वहां पर फंक्शन सोल्व भी ना हो रहा हो, वहां पर कोई वैल्यू ना दे रहा हो, तो आपका क्या हो सकता है, वहां पर फंक्शन ए पर आपका क्या हो सकता है, कोई भी मतलब कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। ऐसी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पर आपकी क्या हो, लिमिट एफ टेंड टू ए एफ एक्स भी आपका क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर आपकी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए हो तो, अगर वहां पर ए में मतलब कोई कंटिन्यूसी ना हो। साथ साथ बोथ एग्जिट बट नॉट इक्वल, अगर आपका जो मतलब एफ ए है वो एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ जो आपका एफ एक्स है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं हो, तो वहां पर आपका जो फंक्शन है वो ए पॉइंट पर फिर भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। इस तरीके से आपका ये आ जाता है फंक्शन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं कुछ फंक्शन की, जैसे पॉलिनोमियल, एब्सोल्यूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग, साइन, कॉस, टैन और रेशनल फंक्शन। ये सब फंक्शन क्या होते हैं, विद इन देयर डोमेन्स आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब कुछ फंक्शन की बात करते हैं, जैसे f और g फंक्शन है, तो f प्लस g, f माइनस g, f इनटू g, f अपॉन g और स्केलर मल्टीपल ऑफ f, ये सब सारे हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। मींस अगर f और g आपके कंटिन्यूस है, तो अगर आप प्लस माइनस भी आपको इनको कर देते हो, कुछ ऑपरेशन लगा देते हो, तो ये भी आपके क्या होंगे, कंटिन्यूस ही रहेंगे। आगे बात करते हैं चेन रूल की। देखो चेन रूल में क्या होता है, जो आपका अगर y इक्वल टू एफ यू के इक्वल है और अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो x x के रेस्पेक्ट में, तो u को x के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वहां पर आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, वहां पर आप क्या करते हो, सिंपल आप अपना चेन रूल लगाते हो। मींस आप u को किसकी फॉर्म में लिखते हो, पहले x की फॉर्म में लिखते हो, मींस आप y को पहले क्या करते हो, u के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो, y को u से डिफरेंशिएट करते हो, फिर जो आपका u आया है उसको आप क्या करते हो, x से डिफरेंशिएट करते हो। ये आपका सिंपल सा आ जाता है चेन रूल, मींस dy/du * du/dx, ये आपका सिंपल पॉइंट आ जाता है। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, जैसे dy / हमारा क्या हो गया, dx हो गया, और जो y है वो आपका मान लो किसी और x की फॉर्म में नहीं है, किसी और v की फॉर्म में है, तो हम उसको क्या करते हैं, x मान के कर देते हैं, फिर वापस से हम क्या लगा देते हैं, जो u के फॉर्म में क्या था, du/dx हम लास्ट में लगा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके भी काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, मीन्स ये बहुत जगह हमारा यूज होता है। नेक्स्ट आती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर आपका x is equal to ft के इक्वल है और y is equal to gt के इक्वल है, तो dy/dx आपका सेपरेटली निकलेगा, मीन्स यहां पर जो फंक्शन हो रहा है वो t के रेस्पेक्ट में है ना, तो ऐसे ही dy/dt निकलेगा पहले, उसको आप डिवाइड करोगे dx/dt से, तब आपका dy/dx आपका सेपरेटली आपका निकलेगा। ऐसे आपके कुछ log के फॉर्मूले आते हैं, log के आपके काफी फॉर्मूले हैं, जैसे log अगर मल्टीप्लाई में है mnp, तो आपका log m प्लस का log n प्लस का log p आपका लिखा जाता है, और log m upon n है तो log m माइनस का log n हो जाता है, और log m की पावर n है तो n आपका आगे आ जाएगा, n log m आपका हो जाएगा, और log a बेस ए की पावर ए इज इक्वल टू आपका वन के इक्वल होगा, मीन्स ए टू बी और सॉरी ए टू ए, और लोग ए टू बी अगर आपका है तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन लोग ए की पावर बी, ये आपका सिंपल पॉइंट आ जाता है। और जैसे लोग बेस ई वन की पावर क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और ई की पावर लोग एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तब। क्लियर पॉइंट, चलो जी एक पॉइंट आपका आता है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट सी, मीन्स अगर कोई फंक्शन आपका क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर आपका क्या है डिफरेंशिएबल है, तो अगर वहां पर वो डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का क्या होगा, वहां पर कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है पॉइंट, चलो जी एक फंक्शन आपका आता है इंप्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या होता है, द फंक्शन डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द सुटेबल वेरिएबल, मींस इंप्लिसिट फंक्शन आपका क्या होता है, जिसमें आपके बेसिकली क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, ए आप
उसको आप क्या करते हो, सिंपली जैसे चेन रूल लगता है ना, इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करते हो। जैसे नेक्स्ट हम चीज देखते हैं जिसमें हमारा आता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 4 है, तो अगर उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4x की पावर क्यूब, और उसको एक बार करेंगे तो 3 आपका आ जाएगा, तो 4 3 12 12x की पावर 2 हमारे क्या आ जाएगा, सोल्व करके आ जाएगा। मीन्स एक फंक्शन को लगातार दो बार डिफरेंशिएट करना, उसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारी कुछ थ्योरम्स आती हैं, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम से और जो हमारी लैग्रांजियन थ्योरम है, लैग्रांजियन मीन थ्योरम, यहां से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है प्रूफ करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका एक फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी, जो कि आपका डिफाइन है आर पर, तो यहां पर आपका क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा ए और बी पर, और डिफरेंशिएबल भी होगा ए और बी पर विद ना क्लोज एक तरीके से ओपन इंटरवल में, और जो एफ ए होगा वो हमारा एफ बी के इक्वल होगा। साथ साथ देयर एग्जिस्ट अ सम नंबर सम एलिमेंट सी इन ए बी डेट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स फंक्शन जब सोल्व करेंगे और एक्स सी की वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो के इक्वल आएगा। और कोई अगर फंक्शन हमारा ये चारों मतलब पॉइंट्स को फुलफिल कर लेता है तो वहां पर रोल थ्योरम हमारी क्या होती है, वैलिड होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आएगा कि डिफाइन रोल थ्योरम, और इस तरीके से मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। इसी तरीके से आपकी आ जाती है लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। यहां पर भी आपका एक फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए टू बी में और आर पर डिफाइन है, वहां पर सबसे पहले आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होगा आपका ए बी में ओपन इंटरवल में, साथ साथ वहां पर एक सी नंबर एलिमेंट बोल सकते हैं एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, और साथ साथ जो एफ डैश सी होगा वो एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हमारा होगा। ये आपके आ जाते हैं लैग्रांजियन थ्योरम। और यहाँ पर एक पॉइंट आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ डिसकंटिन्यूस एज इंटीजर। मीन्स अगर आपका जो एक्स है वो एक क्लोज इंटरवल में आ जाता है तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। और लॉग बेस ए एक्स किसके इक्वल होता है, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए के इक्वल हमारा होता है। मीन्स डिफरेंशिएट करके हमारी ये वाली वैल्यू आती है। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। कुछ बात करते हैं चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करनी है, वैसे यहां से क्वेश्चन आपका नहीं आता ज्यादातर। एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच के इक्वल होगा। ये आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। और आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो। कैसे निकलता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करते हो, इसमें ए माइनस एच कर देते हो, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या कर देते हो, ए प्लस एच कर देते हो। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आपका क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। ये वैसे ज्यादातर आपको चेक करने के लिए नहीं आता, चेक आप इस तरीके से क्या, आप वैसे भी चेक कर सकते हो, डिफरेंशिएट मतलब फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, अगर वो डिफरेंशिएट हो रहा है तो सिंपल वो आपका क्या, डिफरेंशिएबल आपका फंक्शन है। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। चलो जी नेक्स्ट।